हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल एंड दिस इज योर होस्ट ऋषवेश। और थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ पे आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं डायनामिक मोटर्स वाराणसी में। और ये जो ब्लैक ब्यूटी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कौन सी मोटरसाइकिल है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या प्राइसिंग है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो ऑल द वे टिल द वेरी एंड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सिनेमैटिक्स आपने देख ही लिए होंगे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आप ही का कमेंट सेक्शन है। तो फिर से बाइक की बात करेंगे, आर्यन भैया हमारे साथ आ चुके हैं। सो सबसे पहले थैंक यू आर्यन भैया, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप? आर्यन भैया सबकी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है कोरोना टाइम में, दोस्तों मास्क पहन के रखिएगा। सो आर्यन भैया, मौसम तो ठंडा हो रहा है बट बाइक्स में देख रहा हूँ आप गर्मा गर्म ला रहे हो, तो इस समय ये जो हमारे सामने ब्लैक ब्यूटी खड़ी है, ये कौन सी मोटरसाइकिल है, क्या डिटेल है, थोड़ा बहुत आप जरा व्यूअर्स को बता दो। ये ट्रायम्फ कंपनी की बाइक है, इसका नाम है स्ट्रीट ट्रिपल 675 ABS एडिशन है। ओके, सो दोस्तों ये है हमारी ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल S 2016 मॉडल है भैया ने बताया, बाकी डिटेल्स अभी बात धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। 2016 एंड का रजिस्टर्ड नवम्बर का मॉडल है ये। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो 675 सीसी का इंजन है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, DOHC इंजन है, 12 वॉल 3 सिलेंडर इनलाइन 3 है। सबसे बड़ी बात है कि ये नेकेड बाइक है, स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल है। इसका मतलब ये है कि आप हाईवे पे चलाओ या सिटी ट्रैफिक में चलाओ, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से मैन्यूवरेबिलिटी मिलती है, बिकॉज 160-170 kg का वेट है। तो इट्स एन ऑलराउंडर मोटरसाइकिल फ्रॉम द हाउस ऑफ द ब्रिटिश लेजेंड ट्रायम्फ। तो अगर जैसे US में हार्ली है, वैसे ब्रिटेन में ट्रायम्फ है। सो ये हो गई भैया थोड़ी सी बोरिंग वाली बात, अब बात करते हैं थोड़ी सी कि इस बाइक में क्या खासियत है, कुछ अलग से एक्सेसरीज लगी हैं और कुछ और आप बताना चाहें तो, जैसे क्या है इसमें? फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं, ठीक है। इसमें स्पूल्स जो लगे थे मैंने हटा दिए हैं अभी, अच्छा। लेकिन इसमें RNG के स्पूल्स लगे हैं, ठीक है। और इसमें एरो का स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा है ओरिजिनल, ना कि डुप्लीकेट या कुछ ऐसा वैसा। सो इसमें फ्रेम स्लाइडर्स आपको मिल जाते हैं, आपको एक आफ्टर मार्केट स्लिप ऑन एग्जॉस्ट मिलता है जो कि ओरिजिनल है भैया, उसका आपको बिल और सब देंगे। इसकी क्या भैया मतलब रजिस्ट्रेशन क्या है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये मैन्युफैक्चर्ड है नवंबर 2016 की और ये जनवरी 2017 में रजिस्टर्ड हुई है। इट्स अ सेकंड ओनर बाइक, बिकॉज फर्स्ट ओनर ये कंपनी के ही नाम पे थी। अच्छा। उस समय BS4 का जो नॉर्म्स आए थे उसकी वजह से कंपनी ने अपने नाम पे पहले रजिस्टर करा लिया था, उसके बाद जो इनके पहले ओनर थे वो सेकंड ओनर बने थे। ओके। और ये बाइक उनको मिली थी और ये दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर है और इसका जो लास्ट की जो डिजिट्स हैं वो 0900 नंबर है। 0900। सो फ्रेंड्स, हाँ, सो मतलब मोटी मोटी बात करें दोस्तों तो मतलब 2016 एंड मैन्युफैक्चर्ड है, जनवरी 2017 रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है, सेकंड ओनर है। तो अगर आप लेते हैं तो आप टेक्निकली थर्ड ओनर होंगे, ये पहले से मैं क्लियर कर देता हूँ, भैया ने बात क्लियर कर ही दी है। VIP नंबर है, दिल्ली रजिस्टर्ड है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको कहाँ ट्रांसफ़र करवाते हो, जो भी है वो सारा भैया आपके लिए उसमें हेल्प कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक्सेसरीज़ में आपको मैंने बता ही दिया है, फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं, एक स्लिप ऑन एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट लगा है, एग्जॉस्ट साउंड लास्ट में आपको सुनाएंगे तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको जो इसका बहुत ही स्वीट साउंडिंग एग्जॉस्ट है वो लास्ट में आपको सुनाएंगे ही हम। तो भैया अब मुद्दे की बात करते हैं, बिकॉज आप में से हर आदमी यही वेट कर रहा होगा कि इसकी प्राइसिंग क्या है। ऐसे तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखिए तो मैं दावा दे सकता हूँ कि सबसे सस्ती मैं ही बेच रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट टू कॉस्टली। आप कहीं भी देखेंगे ये बाइक सबसे महंगी मिलती है, क्योंकि इसकी ऑन रोड ही 10 लाख के करीब में आती है, उसके बाद एक्सेसरीज अलग हैं। तो मैं जो दे रहा हूँ वो 5,75,000 एंड इट्स नेगोशिएबल।
सो 5,75,000 नेगोशिएबल है। अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर हो तो भैया डिस्काउंट मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो तो अगर आप सब्सक्राइबर हो या वीडियो देख के आते हो भैया को बताओ, नेगोशिएट करना और जो एक इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है वो आपको मिलेगा। सो 575 ऑन द टेबल नेगोशिएबल, भैया से आइए। आपको लिंक नीचे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इनका फ़ोन नंबर है, शॉप का एड्रेस है, सब कुछ मिल जाएगा। भैया से आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं, बाइक रेडी है इस समय, जल्दी करिएगा। बिकॉज आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जब तक अपलोड होगी कस्टमर्स आते रहते हैं तो हो सकता है बिक जाए, तो यार उसके लिए माफ़ कर देना, आप थोड़ा सा जल्दी करो क्योंकि भैया के पास कस्टमर्स आते रहते हैं। सो आई गेस भैया ये सारी डिस्कशन होगी। हाँ एक चीज़ भूल गया यार, रनअप कितना है? ये मतलब 6,000 भी नहीं चली है। सो गाइज मोटी बात, 3 साल पुरानी मोटरसाइकिल है और 6,000 किलोमीटर भी नहीं चली है, कुछ नहीं होता है सुपर बाइक्स के लिए, कॉमन सी बात है, बहुत कम रनअप है, बिल्कुल मीटर वीटर से कोई टैम्परिंग नहीं है, एज गुड एज न्यू कंडीशन है। सर्विस क्योंकि यहीं पे होती है तो आपको सारी सर्विसिंग होके बाइक की मिलेगी। आप भैया के यहाँ से भी या कहीं और से बाद में सर्विसिंग करा सकते हो, बट अभी बस तेल डालो, चाबी लगाओ, निकलो, जैसे भैया की लाइन है वही वाली रेडी कंडीशन में आपको बाइक मिलती है। सो आई गेस भैया सब कुछ कवर कर लिया है। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है डू लीव अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई गेस दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो भैया थैंक यू फॉर योर टाइम, भैया हमेशा टाइम देते हैं हमें अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। डू मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट, टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस।